बॉलीवुड के एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जहां एक ओर सभी लोग दुखी हैं, वहीं सुसाइड जैसे कदम को उठाने के पीछे कई सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है। 34 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए सुशांत की मौत से बॉलीवुड में शोक की लहर है, हर कोई दुख जता रहा है। ऐसे में एक्टर अर्जुन कपूर ने भी एक इमोशनल पोस्ट साझा कर सुशांत संग हुई बातचीत और उनके दर्द के बारे में एक पोस्ट शेयर किया है। फिल्म केदारनाथ रिलीज के बाद अर्जुन ने सुशांत से बात की थी, उन्होंने सुशांत को बधाई दी थी। दोनों एक्टर्स के बीच उस वक्त हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट और एक फोटो साझा करते हुए अर्जुन ने सुशांत के लिए एक पोस्ट लिखा है। अर्जुन लिखते हैं, केदारनाथ की रिलीज के एक हफ्ते बाद जब पूरी टीम जश्न मना रही थी तो वो अपनी माँ को मिस कर रहे थे। मैं उसे उतने अच्छे से नहीं जानता, पर यशराज फिल्म्स इवेंट्स स्क्रीनिंग्स के दौरान उससे मिला था। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कदम उठाने के पीछे मैं उसकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं भी वो दर्द महसूस कर सकता हूँ जो सुशांत ने अपनी माँ को खोने और उनके खालीपन की वजह से महसूस किया था। अर्जुन आगे लिखते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम एक अच्छे और खुशनुमा जगह मौजूद हो मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें शांति मिल गई होगी। आज जो कुछ भी हुआ उसे हम लोग समझने और ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि जब ये तमाशा बंद होगा और हम एक समाज के तौर पर सामने आएंगे तो हमें इस बात का एहसास हो कि तुमने ये कदम किसी एक कमजोर पल की वजह से नहीं उठाया, बल्कि बहुत सारी भावनाओं की सीमा पार करने की वजह से ली है, जो कि एक इंसान को परिभाषित करता है उसके प्रोफेशन से परे होकर। आराम करो मेरे प्यारे भाई सुशांत, आशा करता हूं कि तुम शांति में होगे। आपको बता दें कि सुशांत की मां का निधन 2002 में हुआ था जब सुशांत 16 साल के थे। न्यूज़ डेस्क।